गणेश चतुर्थी की बात से ही समूचे देश में गणपति पूजा की धूम है। घरों में लोग भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, वहीं यूपी के अलीगढ़ में गणेश पूजा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक मुस्लिम महिला के भगवान गणेश की पूजा करने के चलते कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। महिला और उसके परिवार को अब फतवा जारी किए जाने की धमकी मिल रही है। दरअसल अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान के परिवार को फतवा जारी करने की धमकी दी गई है। रूबी ने अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की है, इसे लेकर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। फतवा मोबाइल सर्विस देवबंद के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी की ओर से इसे लेकर एक वीडियो जारी किया गया है। हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के खजाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मजहब के ख़िलाफ़ करता है, और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़े हैं। वहीं अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले मौलानाओं को जिहादी और उग्रवादी बताया है। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ, और हर कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ, और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं, मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। बता दें कि रूबी आसिफ खान बीजेपी की सदस्य हैं। वे पहले भी अपने घर में भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति रख चुकी हैं और उनकी पूजा करती आ रही हैं। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने गणेश पूजा को लेकर महिला का समर्थन किया है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति, प्रार्थना या इबादत में शामिल हो सकता है। देश में सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने मजहब से इतर जा करके प्रार्थना, पूजा पद्धति या इबादत में अपनी भूमिका निर्वहन की है। अलीगढ़ को लेकर के जिस तरह की हायतौबा मचाई जा रही है, महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर गणपति जी की पूजा करना चाहे, चाहे उसका मत हिंदू ना हो, तो भी वो कर सकता है। ये इजाजत भारत के संविधान ने दी है, और किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान से दिए गए अधिकार का उल्लंघन करे।